ये कहानी है सीयरशिप इलेक्शंस 2021 की और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज के सेकंड ईयर का स्टूडेंट उमर अनवर। खैबर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ दो ही इवेंट्स होते हैं, वेलकम पार्टी, सीयरशिप इलेक्शंस। तो मैंने सीयरशिप इलेक्शंस में एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, तो जिसमें हमने फॉर्म सबमिट किया, कैंपेन किया, फिर स्पीचेस की और फिर आखिर में आया वोटिंग एंड रिजल्ट्स डे। और फिर रिजल्ट के बाद जो हुआ वो अगर देखना है तो डू नॉट मिस द एंड। लेट्स गो। आपको क्या लगता है कि हम जीत जाएंगे सीयरशिप इलेक्शन? इंशाल्लाह। थैंक यू। मैंने अपनी सीयरशिप की फॉर्म सबमिट कर दी है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मजा आया। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे अभी वादा करता हूं, मैंने पिछले 10 दिनों में अपने घर वालों को कन्विंस किया है, अगर मैं सीआर बनूंगा कि तो यहां पर हमारे वार्डन साहब है, मैंने इनसे भी बात की, मैं हॉस्टल में एडमिशन लेकर रहूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। ये रिक्वेस्ट है कि आप दोस्ती पर, लुक्स पर, खूबसूरती पर, बदसूरती पर, रिश्तेदारी पर किसी को वोट करें। अल्लाह गवाह है, मैंने तल्हा भाई को भी लिखा है कि तल्हा भाई मुझे इसलिए वोट ना दोगे मैं आपका भाई। Yes,
ऐसा लगा मेरा मजाक। अब बाकी फैसला क्लास का, तो मैं इस शेयर से इख्तिताम करूंगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर। बड़ी अच्छी बात कही है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल ये बढ़िया था गुरु। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। रिजल्ट्स पर जाने से पहले एक जरूरी बात कि ये सीयरशिप तो बहुत छोटा मुकाबला था, लेकिन इससे हमें लाइफ लेसन ये मिलता है कि जब आपको लोग कहें कि आप नहीं कर सकते, उम्र आप हार जाओगे, उम्र आपका स्कोप खराब हो जाएगा, तो आप जरूर करें। और अल्लाह गवाह है, अगर पूरे क्लास में एक भी बंदा मुझे वोट ना देता तो मैं खुद जाता, अपने लिए वोट पोल करता और वापस आता, लेकिन मैं हार नहीं मानता। तो चलिए चलते हैं वोटिंग एंड रिजल्ट्स डे की तरफ।
जी देंगे, अभी तक नहीं करोगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, और कैसा फील कर रहे? बहुत अच्छा, बहुत कसम से इमोशन हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसका मुकाबला है, मुकाबला तो मेरा और आपका है। मैं कौन हूँ? उमर अनवर। इंशाल्लाह मैं सामना को मानवर। थैंक यू। मुझे लगता है कि इस लड़ने के लिए हाथ नहीं नहीं, असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि इलेक्शन के सेलिब्रेशन जितने के सेलिब्रेशन में कितने पैसे लगेंगे। नहीं ज़्यादा नहीं है, KMC चलेगी। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये बात कहना चाहूँगा कि चार कैंडिडेट हैं, चारों ही हमारे भाई हैं। जिसे भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए, बेट के अधिकार कायम रहना चाहिए। ये चीज़ माइंड नहीं करनी चाहिए, ये जीता तो और जीता। सब सब हमारे सब हमारे सेकंड लास्ट और लास्ट जो भी जीतेगा इंशाल्लाह। हाँ, वो ज़्यादा थैंक यू।